In last class, we have performed one activity, okay? और हम लोगों ने देखा कि ये जो प्लांट के टिश्यूज हैं, जिसका होल क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, जिसको हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, तो इसमें तो डिवीजन होता है, इसके कारण प्लांट्स ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है? ये तीन तरह का हुआ, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम से प्लांट की थिकनेस बढ़ती है और एपिकल एंड इंटरकैलरी से प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है, प्राइमरी ग्रोथ होता है। परमानेंट टिश्यू को दो ग्रुप में हम लोगों ने बांटा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन तरह का फिर हुआ, पायरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। पायरेन्काइमा का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज है, एंड यदि इसमें क्लोरोफिल है तो वह यह फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तब उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहेंगे। कोलेन्काइमा का मेन काम फ्लेक्सिबिलिटी देना है, स्ट्रेंथ देना है, एंड एस्क्लेरेन्काइमा का काम स्ट्रेंथ देना ही है और रिजिडिटी देना है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और रिजिड भी बनाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यूज आपने देखा इसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है ना, तो सारे सेल्स इसके एक तरह के होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जाइलम के तार चार तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में चार तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है? जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना रूट से शूट की तरफ, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, डायरेक्शन उसका चेंज भी हो सकता है, बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या है ये, फिर काम फिर से बोलो, साइंटिफिक नेम क्या बताया था? एलियम सिल्वा। फैमिली कौन सी थी? फैमिली लिलिएसी, लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी फैमिली का है। मोनोकॉट है या डाइकॉट है? मोनोकॉट, वेरी गुड। अब देखिए इस प्याज में, इस अनियन में कोई रूट नहीं आया, और हम लोगों ने एक अनियन लिया था जिसके रूट को क्लियर कर दिया था और उसको वाटर के कांटेक्ट में रख दिया था, ठीक है? अब देखिए ये भी अनियन है और ये भी अनियन है, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, क्या है, क्या दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है? यानी ये क्या है, ये वाला पार्ट? ये दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, यानी इसमें फ्रेश नया रूट आ गया है, इसमें रूट नहीं आया। अब देखो दोनों ऑनियन है, एक में रूट आया फ्रेश रूट और एक नहीं, में नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ, क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं अभी देखो ये दोनों ऑनियन है ना, इस दोनों को मैंने क्या किया कि इसमें रूट आ गया, इसमें नहीं आया?
जब रूट आएगा तब ना मेन स्टेम हटाएंगे, तो दोनों में तो रूट आया ही नहीं था, दोनों तो एक जैसा था। इसको हमने वाटर में डाल दिया, इसका मतलब आप समझे कि वाटर के प्रेजेंस में यानी जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रूटिंग के लिए वाटर की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। इसको हमने वाटर में नहीं डाला, इसके ये एक्टिव नहीं हुआ, इसमें रूटिंग नहीं हुआ। अब देखिए ये जो है इसमें रूट्स आ गए हैं। अब हम इसमें से कुछ रूट्स को कट कर देते हैं, कुछ रूट्स को क्या कर देंगे, कट कर देते हैं और कुछ रूट को छोड़ देते हैं। कुछ रूट को कट कर देंगे और कुछ को छोड़ देंगे, तो व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, समझे ना। कुछ रूट्स को हम छोड़ देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और कुछ रूट्स को हम जो है इसको कट कर देते हैं। ये देखें ये जो रूट है इसको हम क्या करते हैं, अब फोर्सेप्स से या ब्लेड से किसी से हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट कर देते हैं। देखिए इसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, वी कैन मेजर इट। इसको हम रखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस रूट को यहां से ब्रेक कर दिया, कट कर दिया, दूसरा भी कर देते हैं। दूसरे को भी कट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड रूट को भी कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन थ्री रूट्स को हमने डिटैच कर दिया और ये जो थ्री है उसको छोड़ दिया, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और ये थ्री रूट्स जो है इसको हमने कट कर लिया और जो कट पोर्शन है उसको हमने मेजर करना, राइट। फिर इसको हम वाटर में डाल देते हैं कि क्या होता है, फिर से देखेंगे, ठीक है, ऑन नेक्स्ट डे, क्लियर है।